नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 14th नंबर सवाल, जेई एडवांस 2020 में पूछे गए 36 क्वेश्चन में से 14वां नंबर सवाल। ये थर्मल फिजिक्स का है। थर्मल फिजिक्स में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 7 थर्मल फिजिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यूनिट नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और चैप्टर है हीट ट्रांसफर में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूमेरिकल वैल्यू का सवाल है। देखा जाए सवाल क्या कहता है। सीरियल नंबर 14 है, 14th नंबर सवाल आउट ऑफ 36। सवाल कह रहा है, एक बर्तन में 1 kg पानी है और ऊपर से सनलाइट पड़ रहा है। 1 kg पानी है जो सनलाइट में है रखा हुआ, और सनलाइट पड़ने से पानी गर्म होता जाएगा सराउंडिंग की तुलना में। सनलाइट का इंटेंसिटी जो है ये दिया हुआ है 700 वाट पर मीटर स्क्वायर। जानते हैं इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये इंटेंसिटी दिया हुआ है। और पानी पे जो सनलाइट गिरता है तो सरफेस एरिया वाटर का दिया हुआ है कितना, 0.05 m². तो कहा गया ये जो हीट जो लॉस होता है सराउंडिंग और वाटर के बीच में, वाटर वार्म अप होता जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम रहेगा, तो हीट जो लॉस होगा वाटर से सराउंडिंग में वह न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करेगा, गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है काफी समय के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। काफी समय के बाद क्या होगा, जो वाटर का टेम्परेचर कंटेनर में रखे हुए पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और वो उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का बीच का जो डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, यही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे हमें तीन दो क्वांटिटी दे दिए गए हैं। पहला दिया हुआ है कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वाटर का हीट कैपेसिटी, ये दो क्वांटिटी दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन है। डिसिमिलर के 2 अंक तक हमें आंसर निकालना है। अगर आंसर निकल जाएगा तो 4 मार्क्स आ जाएंगे। देखा जाए अगले पेज में क्या स्टेप है। ये हम लोगों ने फिगर बनाया, जो ये मेरे पास क्या है, वाटर है, इसका ऊपर का सरफेस एरिया यहाँ दिया हुआ है, इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है सो टी है वाटर का, और सराउंडिंग का अगर टी नोट लिया गया तो गौर किया गया, यहाँ डाटा दिया हुआ है मास ऑफ वाटर 1 kg है, एरिया वाटर का ऊपर में जो एरिया ये है, या एरिया जो है, यह एरिया है सरफेस एरिया ओपन एरिया 0.05 m², इंटेंसिटी सनलाइट का, कॉन्स्टेंट ऑफ न्यूटन्स कूलिंग के का वैल्यू 0.01 है, और ms हीट कैपेसिटी वाटर का 4200 जूल पर kg पर कैलविन, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो पहले स्टेप में हम लोग गौर करें, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा काफी समय के बाद टेम्परेचर वाटर का कांस्टेंट हो जाएगा जो सराउंडिंग से ज्यादा होगा, और हीट का जो लॉस होगा, और तो हीट के लॉस होने से हीट का लॉस होगा और उससे टेम्परेचर गिरेगा। तो यहाँ पे हम लोग गौर करें, जो हीट रिसीव्ड जो पर सेकेंड होगा ये बराबर हो जाएगा हीट लॉस्ट पर सेकेंड। जितना सनलाइट हीट देगा उतना ही सनलाइट, उतना ही एनर्जी लॉस हो जाएगा पर सेकेंड। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, शुरू में जितना एब्जर्ब करेगा उससे कम, बाद में जितना मिलता जाएगा उतना लॉस करेगा, यही कांस्टेंट इक्विलिब्रियम का कंडीशंस आ गया। तो यहाँ एक फार्मूला बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है,
हर जगह दिखाई नहीं पड़ता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के साथ आई इंटू ए या पावर हो गया इजकल टू के टाइम्स एम एस डेल थीटा, डेल टी टेम्परेचर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जो हर जगह दिखाई नहीं पड़ता है, हम लोग सवाल बनाने के बाद अगले पेज में इसे प्रूफ करके देख लेंगे। तो अभी देखा जाए इसके हिसाब से डेल टी का इक्वेशन मेरे पास आ गया और मेरे पास जो जो डेटा दिया हुआ उसको डाल देते हैं। इंटेंसिटी कितना है, 700 है दिया हुआ है। एरिया दिया गया था, ओपन एरिया 0.05, न्यूटन्स कॉन्स्टेंट और कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कॉन्स्टेंट जो है 0.001 और एम एस 4200। सॉल्व कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 8.33, 8 पॉइंट डिसिमिलर के दो अंक तक। गौर किया जाए ऑप्शन में दिया हुआ है, तीन ऑप्शन समझा जाए एक तरह से, 8.32 से लेकर के, सॉरी ये 8.34 मतलब 8.32, 8.33 और 8.34, ये तीनों में से कोई भी आंसर अगर आप डालेंगे तो आपका आंसर सही होगा। तो 8.33 आया, इस प्रकार से 4 मार्क्स का चांस बन गया। अब हम इसका प्रूफ देखें कैसे होता है। तो पहला स्टेप हम लोग गौर करें, उस फॉर्मूला को हमें निकालना है। पहला स्टेप जो यही मेरा एक बड़ी है जिसका टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टी नॉट है, इसका सरफेस एरिया ए है। तो हम लोग स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से हम लोग जानते हैं जो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन पी जो हो जाता है वह ई सिग्मा ए टी पर पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। टी बॉडी का टेम्परेचर है, टी नॉट क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है बाइनोमियल से 4 t0 पावर 3 t - t0, और ये टर्म तो ऑलरेडी पहले से था क्योंकि हम मानते हैं जो सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में सुविधा हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर इसको हम डेल्टी मान लें, इसको अगर हम डेल्टी मान लें तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ये हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं इस तरह से। स्टेप 2 में हम लोग गौर करते हैं जो अब चूंकि ये जो हीट रेडिएशन के द्वारा इसमें से निकल रहा है तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। तो इसका जो टेम्परेचर हीट जो लॉस हो रहा है, बॉडी का हीट लॉस्ट, वो बराबर हो जाएगा हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां डेवलप किया जाए, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ बॉडी, बॉडी का जो रेट ऑफ लॉस है एनर्जी का वो बराबर होगा रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन के कारण जो हो रहा है। तो ये एम एस डेल टी बाई डी टी कैलोरीमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, एम एस डेल थीटा हीट लॉस्ट पर सेकेंड बाय द बॉडी। तो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया, अभी थर्मल रेडिएशन से हमने ये निकाला था। इससे गौर किया जाए तो डी टी फॉल ऑफ टेम्परेचर पर सेकेंड, जिसे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, तो इसमें ये टर्म एम एस इधर चला गया, तो इसमें ये टर्म क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, इसमें डिवाइड हो गया डेल्टी। तो यही के क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ। तो यहां हमको दिखाई पड़ रहा है, इससे हम लोग ये कह सकते हैं जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, तो ये यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं और इसे गौर कर लें, यही मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन साहब यही बोले थे। तो यह जो कांस्टेंट आता है या के जो आया, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, के को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कांस्टेंट। तो के का फॉर्मूला जानना चाहिए, हम लोग ये थ्योरी देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं। अगले स्टेप में देखा जाए जो हमने के को गौर किया, के कितना होता है, के 4e σa t0 power³/ms। इससे मुझे एक फॉर्मूला निकल गया, k into ms बराबर हो गया 4e σa t0 power³। इक्वेशन नंबर 3 गौर किया गया। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, डिफिनीशन से हम लोग समझते हैं इंटेंसिटी के डिफिनीशन से, क्या इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो इस टर्म dq by dt को अगर हम रख लें
तो आपको दिखाई पड़ जाएगा डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, आई बाई ए। और पहला इक्वेशन में हम लोग गौर किए थे जो डी क्यू बाई डी टी जो होता है, डी क्यू बाई डी टी जो होता है वो ये हो जाता है, ये हो जाता है। और यहाँ पे मैंने देखा 4e σa T₀ पावर 3 के एम एस होता है, तो यहाँ पे ये के एम एस आ गया। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको अभी हमने गौर किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता है हर जगह, आई इंटू ए इजकल टू के एम एस इंटू डेल्टी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जुड़ा हुआ ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो पता रहना चाहिए। अब देखा जाए हीट ट्रांसफर में अभी तक कितने सवाल पूछे गए हैं आईआईटी में, 2013 से 2020 जिसे जेई एडवांस कहा गया इसमें टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। देखा जाए एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक ऑब्जेक्टिव मोड, अभी हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू देखे हैं, अगला सवाल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव मोड डिस्कस करेंगे। 2019 में एक भी सवाल नहीं था, 2018 में एक सवाल न्यूमेरिकल वैल्यू, 2017 में एक सवाल ऑब्जेक्टिव मोड, 2016 में 2 सवाल ऑब्जेक्टिव सिंगल और इंटीजर, 2015 में एक सवाल इंटीजर, 14 में एक सवाल ऑब्जेक्टिव सिंगल, 13 में एक सवाल ऑब्जेक्टिव सिंगल। मतलब ये 8 साल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 साल पिछले 8 साल के एग्जाम में सिर्फ 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया हीट ट्रांसफर से, बाकी हर साल पूछा गया, 2 साल 1 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 1978 से 2012 के बीच में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए, तो टोटल क्वेश्चंस देखा जाए 44। आईआईटी में अभी तक हीट ट्रांसफर से टोटल 44 क्वेश्चन पूछे गए हैं, गौर किया जाए 44 क्वेश्चंस, इसे जरूर बना के देखना चाहिए, हर आईआईटी के क्वेश्चन बैंक्स में है और हम लोग भी इसको बारी बारी से बनाते जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, मेरा गूगल ऐप है फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा बाय डॉक्टर एन के सिंह, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गौर किया जाए। ओके, नमस्कार।